ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का नंबर वन डिबेट शो सीधा सवाल, और सीधा सवाल में आज हम बात कर रहे हैं हमारे देश के सिस्टम की। सिस्टम ने न जाने कितने गरीबों पर जुल्म किया है, सिस्टम की लापरवाही की बदौलत न जाने कितनी जिंदगियां मौत की आगोश में चली गई हैं, और इस बार भी मुजफ्फरनगर में ऐसा ही हुआ। सिस्टम की लापरवाही की वजह से एक बच्ची को आत्महत्या करनी पड़ी। अपने भाई को वो ढूंढ रही थी, बार बार पुलिस के पास जाकर गुहार लगा रही थी कि उसके भाई को बरामद किया जाए, उसके पिता को उसके घर भेजा जाए, लेकिन सिस्टम ने उसकी एक न सुनी और उसके अगले दिन उस बच्ची ने आत्महत्या कर ली। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं संजय अग्रवाल साहब, बीजेपी से हैं, कांग्रेस से हरेंद्र मलिक साहब हैं, और वरिष्ठ वकील हमारे साथ ब्रज बंधु सैनी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। आपके पास आऊंगा मैं हरेंद्र मलिक साहब, आपसे सवाल जानना चाहूंगा। अक्षय जब वापस लौटता है, उस बच्ची का भाई जिसका नाम वो दीवार पर लिखकर गई थी, अक्षय आकर कहता है कि मुझे पुलिस वालों ने इस कदर टॉर्चर किया, अवैध कस्टडी में रखा, सिविल ड्रेस में वो लोग थे, कभी पुलिस की ड्रेस में थे, और उसने यहां तक ये भी कहा कि ये लोग जो उसके साथ थे, कंपनी वाले लोग थे, वो जाकर एसएसपी से भी मिले, और उसे ये कहा गया कि भाई तेरे से हम हीटर पर हम तुझसे पेशाब कराएंगे, हम तेरी मां बहनों को बुलाकर उन्हें नंगा करेंगे, उनके साथ रेप करेंगे। आप बताइए क्या पुलिस ऐसा कह सकती है? देखिए, ये जो आप बता रहे हैं संवेदनीय है, मुझे भी आज लड़का मिला था, वो बहुत ज्यादा टॉर्च है, वो नॉर्मल स्थिति में नहीं है बोलने की। और लड़की ने रोकर के जो दूरभाष पर मुझे बताया था, वो आपकी बात से जुड़ता है। सिस्टम में फिर मैं वही अपनी जगह आ रहा हूँ। देखिए, सिस्टम बड़ा दोषपूर्ण है। अभी भी आपने कहा कि संदिग्ध लोग जो सिविल ड्रेस में भी थे, वो लोग कौन थे, कैसे थे, और उन लोगों ने जिन्होंने इसे इतना टॉर्च किया, ना तो दाखिला किया। हमारा पुलिस कोड ये कहता है और आईपीसी सीआरपीसी ये कहते हैं, अगर कोई आदमी पुलिस कस्टडी में है तो 24 घंटे से ज्यादा थाने में नहीं रखा जाएगा विदाउट परमिशन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट। बिल्कुल। और उसके बाद उसको इतने दिन रखा। सवाल यही है, मैं जो पहले कह रहा था अभी भी ये कह रहा हूँ। मैंने आज एसएसपी को ही कहा कि मथुरा में मुजफ्फरनगर में आपकी छवि अच्छी रही, बिल्कुल फेवर और डिसफेवर की नहीं रही, बिल्कुल, परंतु अब परीक्षा की घड़ी है। बिल्कुल सही। 6 दिन या 5 दिन या 4 दिन वो लड़का पब्लिक के कस्टडी में कैसा रहा, कौन असली पुलिस थी या फर्जी पुलिस थी, पुलिस तोड़े कानून या पब्लिक तोड़े कानून, कानून तोड़ने वाला जालिम है, जुल्मी है, उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, आपके संज्ञान में था, आप कार्रवाई करें। अभी मुझे ये भी जानकारी मिली, उस लड़के ने बताया कि मुझे दबाव देकर के कहा जा रहा है कि झील मालिक का नाम हटा दो, उसने ये भी कहा हमारे सामने। हमने एसएसपी के सामने, मैं, गौरव जी और ये मुफ्ती जुल्फकार अली साहब, हम तीनों थे, हमने ये कहा कि देखिए, आप विदाउट एनी प्रेशर एफआईआर जो सही लिखे, ना किसी का नाम जोड़ो ना किसी का नाम छोड़ो, एफआईआर लिखिए, अगर ये नहीं लगे तो 156(3) में ऑनरेबल कोर्ट से लिखवाएंगे, और हम लोग अगर करना पड़ा तो तुम्हारे लिए आंदोलन भी करेंगे, उच्च अधिकारियों तक जाएंगे। सवाल, सिस्टम टोटल फेलियर है इसमें, और जिस तरह का हुआ है, जानकारी मिली है कि निचले स्तर पर पूरा सबको गुमराह करके काम किया गया, और इस तरह का काम हुआ है कि लड़की ने सबको कोई छोड़ा नहीं जिसके पास ये दरखास्त निकली। एफआईआर अगर पुलिस ये लिख रही है तो सबसे पहले तो वो जो पहली एफआईआर है जो मृतका ने सबको कागज दिए, एफआईआर का मतलब ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जी, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन उसने दी है वो सीडी का भाग होनी चाहिए, जीडी का भाग होना चाहिए, बिल्कुल वही एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। दूसरी दरखास्त तो बाद में इनसे लेकर के उसे शामिल तफ्तीश किया जाए, उसे केस, नियम ये कहता है के जो पहले, लेकिन पुलिस कहां नियमों को मान रही है हरिंदर साहब, कहां नियम अगर माने गए होते तो शायद मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहता हूं, उनकी पार्टी इसमें सीधा इन्वॉल्व है, 3 क्राइम उनकी पार्टी के बड़े नेताओं ने किए, भाजपा से। ऐसा है, पहला क्राइम नियम तोड़ करके झील ली गई, दूसरा क्राइम उनके आदमी 4.5 लाख रुपए लेकर के जब नकदी 4,000 रुपए के लिए तरसता है, उन्होंने अपना एम्प्लॉय कैसे भेजा, उसकी जांच होनी चाहिए। तीसरा क्राइम, भाजपा के बड़े नेता ने कहा है कि उसे मैं जानता हूं, वो भाजपा का कार्यकर्ता है, टिकट मांग रहा था, पर मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, तो सीधा है, हो सकता है उनकी बात सच हो सकता है उनकी बात गलत हो। जो झील का मालिक है, इंटरेस्ट किसका था, रुपया किसका था, कौन उसे रिकवर कराना चाह रहा था, क्यों टॉर्च किया गया उस लड़के को, वो केवल रुपए के लिए कहेगा, वो झील मालिक का रुपया है, झील कहां से आई, कैसा आई,
मुजफ्फरनगर का आदमी कहां प्रदेश में जाकर के जी ले रहा, इसमें क्या क्या कानून टूटे। मेरी माननीय प्रधानमंत्री से विनम्र अपील है कि वो इसकी जांच करावे, इसे गंभीरता से ले, अन्यथा ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी कहने तो कुछ और है और करने तो कुछ और है। एमपी साहब, बीजेपी को स्वयं कह रही है इसकी जांच हो, इसकी जांच के बाद कार्रवाई हो। भारतीय जनता पार्टी पे इस प्रकार का आरोप एमपी साहब, भाई साहब आप लगा रहे हैं उचित नहीं है। जांच के बाद सब चीज सामने आ जाएगी। हमारा कोई भारतीय जनता पार्टी जांच की जाए, हम तो क्यों कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं पीड़ित परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। आप बोलते ना चुप रहा, मैं ये कह रहा हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के नहीं, हमारे सबके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ही आदरणीय गृह मंत्री सबके प्रधान गृह मंत्री है, मेरे भी आपके पूरे देश के। हमारी उनसे अपील है कि जो एक आरोप प्रत्यारोपी है, मैं नहीं लगा रहा, मर्तका का कागज कहो तो मैं पढ़कर सुना दू, वो जरा अच्छा लगने का मैं पढ़कर सुनाऊंगा। तो जो मर्तका ने कहा है, जो उसका परिवार कह रहा है, मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ इस सम्मानित टीवी चैनल के माध्यम से कि वो उनका संज्ञान लेकर के इसकी उच्च स्तरीय जांच करावे, कहां क्या मामला है। 3-4 पॉइंट है, 4.5 लाख रुपए दूसरा देखिए, मैं प्रदेश के गृह मंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, डीजीपी से और प्रमुख सचिव गृह से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस मामले में पुलिस का इन्वॉल्वमेंट, चाहे वो मुजफ्फरनगर की पुलिस हो, चाहे लखनऊ की पुलिस हो, चाहे दूसरे लोग हो, ये कैसा इन्वॉल्वमेंट था, किस स्तर पर था, उसको भी गंभीरता से जांच करनी चाहिए। उस लड़की के खून के छींटे सब पर हैं, बिल्कुल सही, उनको वास करना होगा। और हमने एसएसपी को भी ये कहा है कि अगर आप जिम्मेदारी से बचेंगे तो आप भी उन छींटों से नहीं बच सकते। नहीं, मैं मानता हूं कि वो जो आत्महत्या उस बच्ची ने नहीं की, हमारे सिस्टम की आत्महत्या थी, सिस्टम की लाश थी वो। ब्रिजबंधु सैनी साहब आप ये बताइए, अगर हम आप कानून को बेहतर तरीके से जानते हैं, मैं अगर कानून की बात करूं तो हमारे कानून में क्या है, क्या बदलाव होना चाहिए, अगर हम सिस्टम को बदलने जाए तो सिस्टम को बदला कैसे जाएगा। मैं उसी बात के लिए कह रहा हूं अनुकूल जी कि सिस्टम इतना खराब हो चुका, क्या आप ये आशा करते हैं, संजय अग्रवाल जी बैठे, एमपी साहब भी बैठे हैं, क्या ये आशा करते हैं आप लोग कि इन्वेस्टिगेशन भी, ये जो पुलिस सिस्टम खराब हो चुका, ये सही इन्वेस्टिगेशन करेगी इस केस की? बिल्कुल। दूसरी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, लोकल पुलिस से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अलग की जावे, तभी एक फेयर इन्वेस्टिगेशन किसी चीज़ का होगा, चाहे वो कितना ताकतवर आदमी हो, चाहे वो बहुत छोटा आदमी हो। अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दबाव में काम करेगी, मैं संजय अग्रवाल जी से भी कह रहा और एमपी साहब कि कहीं ना कहीं एक छोटा बड़ा आज भी है, कोई ताकतवर आदमी है, तो वो इन्वेस्टिगेशन को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। आप अगर रुआबदार हैं, मैं कहता हूं इसी और एक चीज नकुल जी, अगर यही चीज में कोई छोटे लोग इन्वॉल्वमेंट होता उनका, तो शायद पुलिस 4 दिन पहले हमारे सामने है। बंधु जी हमारे सामने है, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं नेता हूँ और मेरा मेरे साथ अगर मेरी बेटी के साथ कुछ हुआ है, मेरे बच्चे के साथ कुछ हुआ है, तो मुझे तुरंत इंसान, और एक चीज बताऊँ, तमाम पुलिस लग जाएगी, लेकिन अगर कोई गरीब बच्चा है, प्रकाश गरीब परिवार है, उसे कुछ नहीं मिलने वाला। प्रकाश सिंह जी डीजीपी रहे हैं, उन्होंने भी एक आयोग बना था, उन्होंने भी एक रिपोर्ट दी थी कि इन्वेस्टिगेशन इस पुलिस लोकल पुलिस से ना करावे, इन्वेस्टिगेशन सैनी साहब अलग होनी चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, अगर प्रदेश सरकार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डिमांड करे तो केंद्र सरकार इसकी सीबीआई भी जांच करने को तैयार है। एक मिनट, वो आपके हाथ में नहीं, अगर प्रदेश सरकार चाहे वो आपके हाथ में नहीं, बिल्कुल है, संजय अग्रवाल जी अगर डिमांड करेगी जब तक शासन नहीं कहने का, वो नहीं पहले का ही प्रदेश सरकार अगर चाहे। दूसरी चीज मेरी बात, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, मैं एक चीज और कहता हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, अगर कहीं उसके लीडर्स का इन्वॉल्वमेंट आया तो उसे बजाय बचाने के वो और कोई काम नहीं करती, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो अदर पार्टी, कोई भी पार्टी हो, केवल उसे बचाने का काम करती है। ये राजनीति सपा और कांग्रेस के बाद बदली है, जांच जी अपने सपा और कांग्रेस के हाथ में है।
प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में कह रहे थे अग्रवाल साहब के जो थाने हैं वो समाजवादी पार्टी का घर बन गए हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए क्या और प्रदेशों में ऐसा नहीं होता होगा? बीजेपी के शासित प्रदेशों में नहीं, बिल्कुल नहीं होता। बीजेपी नेताओं का प्रभाव नहीं होता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ निष्पक्ष रूप से काम किया जाता है। नहीं, वहाँ पर निष्पक्ष काम किया जा रहा है। कानून व्यवस्था अगर बिगड़ी है, सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में खराब है चतुर्वेदी जी, और ये उसी का उदाहरण है। ये आत्महत्या जो हुई है इसी कारण से हुई है। मेरे छोटे भाई संजय अग्रवाल जी ने कहा, ये शायद कानून की कम जानकारी रखते हैं, इन्होंने कहा कि हम अगर प्रदेश सरकार रिकमेंड करेगी, आपको शायद जानकारी नहीं, प्रधानमंत्री जी को ऐसे भी तो अधिकार है, और चूंकि उनके कैबिनेट के उनके मंत्रालय के उनकी पार्टी का नाम आया है, वो चाहे तो सीधा सीधा भी सीबीआई की जांच कर सकते हैं। गृहमंत्री जी को है साहब, अगर पीड़ित परिवार चाहेगा तो हम ये बात भी करेंगे। होम मिनिस्टर अगर मिनिस्टर को पावर है वो ये लगेगा कि सीबीआई जांच हो, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, उनके हम न्याय के साथ हैं। पीड़ित परिवार से मैं सुबह ही आपको लिखवा दे दिलवा दूंगा, पर आपका कागज भाजपा में पड़ेगा, फोन टिकट तो आपको दिया नहीं, आप जांच की बात करें। होम मिनिस्टर को पावर है, वो मेरी पार्टी का अंतर्गत मामला है, मामला है। और बात कर रहे हैं वंकी, देखिए ऐसा है, बहुत सीधा सा मामला है। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ इस चैनल का, जिन्होंने बात चला करके प्रयास किया उसकी जान बचाने का, असफल रहे, हमने भी प्रयास किया, हम भी असफल रहे। हम अपने आप को स्वीकार करते हैं कि हम असफल रहे, अगर नहीं कुछ गुनेगार हम भी बहुत बड़ी बात है। पूजा हमें भी है, अगर पूजा का मामला ना होता, धर्म का मामला ना होता तो हम आते। दूसरी स्थिति ये है कि वो उसका बाबा श्यामली जब पहुंचा होगा, जब मुजफ्फरनगर उसके गोडे टूट के होंगे। तीसरी बात ये, अभी तो यही सवाल है कि वो लोग जो उसे पीट रहे थे, जो कभी सादी वर्दी में थे कभी पुलिस की वर्दी में थे, वे कौन थे? सही बात है, उन्हें अधिकार किसने दिया? इसमें हम देखे ना, इसमें कांग्रेस का सवाल है ना भाजपा का ना सपा का। अपराधी की कोई पार्टी नहीं होती, कोई जाति नहीं होता, अपराधी अपराधी अपराध है। अपराधी को आप किसी पद पर बैठा दो, उसका जब मौका लगेगा अपराध करेगा। जिनका अतीत अपराधों में रहा है, जिनका परिवार अपराधों में रहा है, वो अपराधी थे, अपराधी है और अपराधी रहेंगे। जब भी उन्हें मौका मिलेगा अपराध करते रहेंगे। हमें तो ये भी शंका है, डर है कि आज ब्रजबंधु जी और मैं यहाँ से चलेंगे, कितना घर सुबह कुशल पहुंचेंगे, क्या होगा, ये भी बात है, उसकी भी जिम्मेदारी भाई समाचार टूटे की होगी। नहीं नहीं, तो मामला नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बदमाश कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन सिस्टम के आगे फेल होता है। लेकिन अगर हमारा सिस्टम ही फेल होगा तो फिर बदमाश अपने आप में बहुत बड़ा है। बच्ची को इंसाफ नहीं मिल पाया, और कहना चाहता हूँ सिस्टम, ये हम मलिक जी के बारे में कहना चाहता हूँ। मैं जो कोई फेवर वाली बात नहीं करता की भाजपा है, वो है हमारे क्षेत्र से। मलिक साहब को डर लग रहा है कि कहीं बदमाश ने बदमाश कहीं हावी ना हो जाए, इनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। एक बच्ची के साथ अनहोनी हो गई, उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला। हरिंद्र मलिक साहब जब इतना डर रहे हैं तो सीधी सी बात, मलिक साहब नहीं डर रहे हैं, प्रदेश में सपा की सरकार है, ठीक डर रहे हैं वो। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, वास्तव में कोई नहीं है। अभी जो संजय भाई ने कहा, ये मैं और ये बराबर बराबर गांव के, और जो डराने वाले लोग हैं वो बराबर के, ये अच्छी तरह जानते हैं इनकी मजबूरी है, सीमाएं नहीं कह पा रहे कि नहीं, वो सिस्टम से ऊपर की चीज है, वो सपा की सरकार है। देखिए, सपा की सरकार में हम सब लोग बहुत 2014 के चुनाव से पहले एक मीटिंग हुई थी कुटबी में, उससे तीन दिन पहले जब मीटिंग हुई थी तो शाहपुर में FIR दर्ज हुई। डॉक्टर नीलकांत ने FIR दर्ज कराई कि मेरे से कुछ लोग 35 लाख रुपए मांग रहे हैं जी। उत्तर प्रदेश पुलिस की विजिलेंस टीम लगी, क्राइम ब्रांच लगी, SOG उस समय हुआ करती थी, वो लगी जी। 3 या 4 मुजरिम पकड़े गए और उनसे ऑटोमेटिक वेपन, कंपनी मेड फैक्ट्री मेड वेपन, ऑटोमेटिक जो सिविलियंस के पास नहीं होते वो भी बरामद किए। और जिसे मैं भाजपा को आरोप नहीं लगाता, मैं कांग्रेस को आरोप नहीं लगाता, सपा को नहीं लगाता, सिस्टम ऐसा है कि वो ही लोग सिस्टम साथ देता है ना, जो लोग जिन लोगों को हवालात में होना चाहिए था या जिला कारागार की शोभा बढ़ाते, सेंट्रल कारागार दबाव में काम करता है, वो कहीं दूसरी जगह बैठ गए। और सिस्टम दबाव में काम क्यों करता है? बंधु सैनी साहब, दबाव में काम करता है, सवाल है मेरा कि सिस्टम दबाव में काम क्यों करता है? क्यों निष्पक्ष होकर सिस्टम हमारा काम नहीं कर पाता? कहीं ना कहीं देखो, पुलिस भी
सिस्टम दबाव में है पिछले 5 साल से, देखो और उसी का जवाब जनता हमें बहुत जल्दी दे रही है। केंद्र में सरकार आपकी है, इसमें जाने वाली है, ये राजनीति का विषय नहीं है। सपा की सरकार किसकी बन रही है, किसकी नहीं बन रही है, सपा की सिस्टम हमें ही रहेगा। जो सरकार आएगी, जो सरकार में यही सब लोग इस प्रकार से काम करेंगे, जो पीड़ित है उसको न्याय मिलेगा, जो सरकार आज नहीं मिल रहा है वो न्याय मिलेगा। अगर ये घटना 2 महीने पहले हो जाती जिनके नाम अब तक जेल चले जाते, सिस्टम दोषपूर्ण है, सिस्टम चुनाव देख रहा है, सिस्टम सरकार आएगी प्रभाव आएगी नहीं, अब तो चुनाव भी खत्म हो गए, प्रभावशाली प्रभावशाली नहीं, मैं सरकार किसकी आएगी, मैं छेड़े ना छेड़े कनकू जिनके नाम है उनकी सरकार ना आ जाए, सिस्टम डरा हुआ है, सिस्टम भयभीत है, सिस्टम क्वेश है, सिस्टम है, संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी जिस सिस्टम को है तो सीधी वो अपनी रक्षा कर रहा नहीं। कांग्रेस एक आखिरी सवाल, जब आपने हरिंद्र मलिक साहब जब इतना बड़ा जिक्र किया है तो मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा देश पर शासन किया है, क्या कांग्रेस को ये नहीं चाहिए था कि वो देश के सिस्टम को बदलती, या हर बार सिर्फ कांग्रेस ने सिस्टम का इस्तेमाल किया अपने राजनीतिक हितों के लिए, अपने फायदों के लिए, जिसका जिक्र आप अभी कर रहे हैं कि भाई इनकी सरकार आ जाएगी तो सिस्टम घबरा रहा है। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा, जय संजय अग्रवाल जी कह रहे हैं, मैं भी आपको बता रहा हूँ, सवाल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का नहीं, सिस्टम आजादी के बाद से बदलाने का इसमें स्वीकार करता हूँ बिल्कुल, और सिस्टम वही रहा है। अभी भी अधिकारी अभी से वोट बैठाने में लग गए, वो संविधान के प्रति वफादार ना होकर के सिस्टम नेताओं के प्रति वफादार और अपने आप को बचाने पर लग जाता है। आज चूंकि सरकार 11 मार्च के बाद पता लगेगा, इसलिए इसमें सारा जो भोड़ इस लड़की की जान केवल इसलिए गई कि अभी अनिश्चितता है सरकार किसकी बनेगी। अगर यह शुरू के दिन से जितना साफ उस लड़की ने पहले लिखा, जो इन्हें सीधे सीधा FIR उस कागज पर होनी चाहिए जो मर्तका ने 4 दिन पहले SSP को दिया था, FIR में जो आज उसने दरखास्त दी है ये उसमें शामिल तफ्तीश होनी चाहिए, ये उसमें दर्ज होनी चाहिए, GD में वो चढ़नी चाहिए। बिल्कुल सही बात। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए, इस पूरे मुद्दे पर डिबेट करने के लिए। सवाल सीधा यही था कि आज हमारा सिस्टम इतना ज्यादा करप्ट हो चुका है कि वो जनता के हितों के लिए काम ना करके नेताओं के हितों के लिए काम कर रहा है, बदमाशों के हितों के लिए काम कर रहा है। बंधु जी समय खत्म हो चुका है, समय की बहुत कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए। सवाल है कि सिस्टम को बदला कैसे जाएगा, हर बार हम सिर्फ सरकारें बदलेंगे, अगर एक गरीब के साथ इंसाफ नहीं होता और एक अमीर के साथ साफ हो जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे, इस देश के सिस्टम को कैसे बदला जाएगा, उस बच्ची की आत्महत्या के जिम्मेदार कौन है, सोचने की जरूरत मुजफ्फरनगर के SSP बबलू कुमार को भी है, सोचने की जरूरत लखनऊ के SSP मंजुल सैनी को भी है, और सोचने की जरूरत उस पुलिस को भी है जो इस पूरे मामले में गंभीरता नहीं दिखाती रही, सिर्फ और सिर्फ लापरवाही बरतती रही। सीधा सवाल में आज मेरे साथ इतना ही, देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार टुडे।